पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के मुख्यालय मंडल एवं लेखा मंडल के कार्यकारिणी समिति का चुनाव और द्विवर्षीय अधिवेशन रविवार को रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष स्थित एसोसिएशन सभागार में किया गया। अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने एसोसिएशन से जुड़े रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण और एसोसिएशन की मजबूती तथा विस्तार पर जोर दिया। अधिवेशन के दौरान एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हरिदयाल यादव को मंडल अध्यक्ष, रंजित सिंह को कार्यदायी अध्यक्ष, ध्रुव यादव ओम प्रकाश मौर्य, अंकित गुप्ता और प्यारे लाल यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राज नारायण यादव को मंडल मंत्री, सतीश चंद्र गुप्ता, मूलचंद मौर्य, अशोक कुमार सिंह और सुखदेव यादव को संयुक्त मंडल मंत्री, संदीप कुमार को मंडल कोषाध्यक्ष के पद का दायित्व सौंपा गया। पदाधिकारियों के चयन के बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उन्हें बधाइयां दी। इस मौके पर चुनाव अधिकारी एस एन मौर्य सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी एस एन मौर्य ने कहा, कि आप लोग एक ओबीसी वर्ग है, उस वर्ग से शर्म नाम की कोई चीज को अपने साथ मत रखें, क्योंकि मैं देखता हूँ जितने लोगों को बताते हैं कि अगर वो सिंह लिखे हैं तो भी जुड़ना नहीं चाहते, जबकि वो ओबीसी में आते हैं। तो इस तरीके की जो है कोई जो है वर्ग में सम्मिलित होने के लिए और अपने हक की लड़ाई के लिए कभी भी जो पीछे मत रखें और अपनी पहचान को हमेशा सिंगल रखें, ताकि हर जगह आपको दोहरी नीड से ना जीना पड़े। जहां भी जुड़े दिल से जुड़े और तन मन धन से जुड़े हैं। हमारा 89 से जुड़ाव रहा है ओबीसी से, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन के साथ में, वीपीसी के साथ में, वहां से मैं जुड़ा हूं 89 से, दिल्ली से। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी जो है उसी तरीके से अपने हक की लड़ाई के लिए, आप लोग 88% है और 88% एक पलड़े पर रख दिया जाए और बाकी के जो है आप 12% एक पलड़े पर रख दीजिए, तो बताइए किधर से लोग जो है भारी पड़ेंगे। इस चीज को, अपने ताकत को आप लोग समझें और इसमें बेहिचक जो है तन मन धन से इस हमारे पुनीत कार्य में आगे बढ़ाते रहे। हम लोग तो रिटायरमेंट के नजदीक में हैं, लेकिन आप जो युवा वर्ग है इसको संभालेंगे। और कभी भी जो आपने, हमारे भाई ने कहा कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा ताकत होता है, कार्यकर्ता ही जो है संसद को हरा देता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता में वो जोश होना चाहिए, ताकि जो मंचाधीन अधिकारी है उनको जो है दिशा निर्देश देने में खुशी हासिल हो। मंडल अध्यक्ष श्री हरिदयाल यादव जी चुने गए हैं सर्वसम्मति से, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। कार्यकारिणी अध्यक्ष रणजीत सिंह, आइए चलिए उधर, आप लोग पीछे करा लीजिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुव चंद यादव, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य, उपाध्यक्ष अंकिता गुप्ता, चलिए उपाध्यक्ष ज्ञानवासी सिंह, सहायक मंडल का आइए सर, घर आइए, मंडल हो गया था, फोन खींच लीजिए, रख दीजिए भैया। हमारे ओबीसी के बायलाज के अनुसार जो है द्विवार्षिक चुनाव होता है, कार्यकारी लोगों का समाप्त होने वाला था इसलिए चुनाव कराया गया। हमें अब हम लोग का अधिवेशन में चुनाव ये चर्चा ये की जाती है, जो हमारे डिमांड्स हैं, जो हमारे जीएम की लेवल पे बोर्ड स्तर पे उसकी सारी डिमांड्स को पूरा कराया जाए। किसी भी पदाधिकारियों को जो हमारे जो ऑफिस बियरर हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। इस तरीके से तमाम जो परेशानियाँ आ रही हैं, ओबीसी का उत्पीड़न किया जा रहा है, ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर भी आघात किया गया है, ये सारी चीज़ों की हम लोग जो डिमांड है जो इस पर हम लोग पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को हम लोग एक साथ जो है जोड़ना चाहते हैं, ताकि इसकी जो है एक एकता कायम रहे, आने वाले चुनाव को भी प्रभावित कर सके, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी ओबीसी की अहम भूमिका रहेगी, इसको भी हम लोग मद्देनज़र इसका काम कर रहे हैं। तो यही हमको कहना है कि हम ओबीसी के एक साथ लेकर के सारा काम करावें और जो भी हमारे जो प्रशासन की डिमांड है उसको पूरा करावें, बोर्ड स्तर पे, चाहे जोनल स्तर पे, ब्रांच स्तर पे, चाहे मंडल स्तर पे। थैंक यू।